तो वही जांजगीर चंपा में बारिश की चेतावनी के बाद चार दिनों तक धान खरीदी नहीं हो सकेगी इसका निर्देश भी अब जारी कर दिया गया है नौ से लेकर बारह जनवरी तक धान खरीद को लेकर यहाँ पर एक विशेष निर्देश जारी किए गए हैं जहां आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर जांजगीर चांपा से एक खबर सामने आई है जहां बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है इसके साथ दरअसल आपको बताते चलें कि जांजगीर चांपा में और मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से भारत के कई राज्यों और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है आपको बता दें दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है जिसके चलते खासकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दरअसल आपको बता दें चले जांजगीर चांपा में भी उपार्जन केंद्रों पर चार दिनों के लिए धान खरीद पर बंद कर दी गई है और इस दौरान अधिकारियों ने खरीदी केंद्र प्रभारी को बेमौसम बारिश से धान की समुचित सुरक्षा करने के लिए भी कहा है जिले में अब तक से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र को लेकर जिला नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे ने बताया है की समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के सुव्यवस्थित रखने के लिए 9 से लेकर 12 जनवरी तक किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी नहीं किए जाएंगे खारिफ विपणन वर्ष 2021 और 22 में धान खरीदी कार्य प्रगति पर है हालांकि विगत दोनों ही दिनों में हुई बारिशों के चलते जिले में कुछ उपार्जन केंद्र द्वारा खरीदे गए धान को सुरक्षित रूप से ढककर नहीं रखा गया था जिसके कारण कलेक्टर जितेंद्र कुमार ने इन केंद्रों पर धान के सुरक्षित रखरखाव के निर्देश दिए हैं मौसम विभाग द्वारा भी 9 जनवरी से लेकर आगामी तीन से चार दिनों तक बारिश की संभावना बताई गई है सरकारी बैंक के जिला नोडल अधिकारी पांडे द्वारा समेत सभी सहकारी समिति की जो शाखा है शाखा प्रबंधक और पर्यवेक्षकों को पत्र जारी कर कहा गया है कि 9 से लेकर 12 जनवरी तक धान खरीदी के लिए कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा बलरामपुर जिले के चलगढ़ी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार कर लिया है केस दर्ज होने के करीब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा शुक्रवार 7 जनवरी को पीड़िता ने चौगली थाना क्षेत्र में पहुंचकर एक आवेदन दिया था उसने बताया कि बड़े पापा और मम्मी के घर साल 2014 से उसका आना-जाना लगा रहता था इसी दौरान गांव के एक युवक मनीष इक्का से उसकी जान-पहचान हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे 2019 में फरवरी के महीने में मनीष इक्का ने फोन करके पीड़िता को अंबिकापुर बुलाया उसी समय आरोपी मनीष ने शादी की बात कर साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाया नवंबर 2021 को आरोपी अपने मामा के घर बंगला अंबिकापुर ले जाकर दो सप्ताह तक उसे पत्नी के रूप में रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा आरोपी मनीष ने 26 दिसंबर को पीड़िता को फोन करके बताया कि मेरी मंगनी हो गई है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसके बाद अगले ही दिन 27 दिसंबर को पीड़िता मनीष के घर ग्राम घोघर बासेन थाना कौन साबल गई और उसके बाद उसने अंतिम बार उसी रात को संबंध बनाया और तुमसे शादी नहीं करूंगा कहकर पीड़िता को भगा दिया पीड़िता ने घर वापस आकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद इस मामले को लेकर थाने में केस दर्ज कराया गया रुकेंगे अगली खबर की ओर दिल्ली पुलिस ने सुली डील से ठाकुर को इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया है दरअसल वो मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने के लिए बिना बने ट्विटर के एक ट्रेंड ग्रुप का सदस्य था ठाकुर ने इंदौर के ही एक आईपीएस एकेडमी में बीसीए किया था और दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पच्चीस साल से ओंकारेश्वर स्वीकार किया है उसने की वो ट्विटर पर उस ट्रेंड ग्रुप का सदस्य था और इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने की साजिश रची जाती थी इसीलिए उसने अपने गिटअब पर कोड विकसित किया गिचअप तक इस ग्रुप के सभी सदस्यों की पहुंच थी और इन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐप का लिंक शेयर किया था ये ग्रुप आपको बताते चले कि मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करता था और उन्हें बदनाम करने के लिए उनका चरित्र हनन किया जाता था भारत में मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों में ओलावृष्टि और फसल और आम जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वर्षा की चेतावनी जारी की है इसके अलावा आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में वज्रपात और घना कोहरा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार सागर दमोह छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी पन्ना उज्जैन देवास आगर मालवा जैसे तमाम जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है साथ ही जिले में ओलावृष्टि और फसल के लिए नुकसानदेह वर्षा की भी चेतावनी दी गई मध्य प्रदेश मौसम का पूर्वनुमान है कि इलाकों में वज्रपात और घने कोहरे का येलो अलर्ट शासकीय भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जबलपुर संभाग इंदौर संभाग शहडोल संभाग रीवा होशंगाबाद और सभी जिलों में भोपाल विदिशा सीहोर ग्वालियर दतिया भिंड मुरैना उज्जैन भोपाल छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी सतना जैसे और रीवा जिले में भी कुछ इलाकों में वज्रपात और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है यानी कोहरा इतना घना होगा कि फसल को नुकसान पहुंचाएगा साथ ही यातायात भी प्रभावित होगा